आज हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का आज पहला लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हर एक टेंस का चार चार टाइप होता है। तो पहला टाइप है इसका प्रेजेंट नहीं, सॉरी, यहाँ गलती लिख दिया मैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं? जिस वाक्य के अंत में अगर ता था, ती थी, ते थे, आ था, ए थे आदि आता हो तो वहां पे क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में सिंपल सेंटेंस के लिए क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि इसमें जब सिंपल सेंटेंस यूज होता है तो वर्ब का हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज होता है, जबकि अगर नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव होता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। मीन्स अगर सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य रहेगा तो क्या होगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, जबकि अगर नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगा। और इसमें सारे सब्जेक्ट में डिड ही हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा नहीं कि ही सी इट के साथ अलग आएगा, आई वी देवी के साथ अलग आएगा। इसमें ऑल सब्जेक्ट में क्या होगा? डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, मैं भगवान की पूजा करता था। देखो ता था आया, मीन्स ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब देखो इसका क्या है, ट्रांसलेशन निकालते हैं। ठीक, तो क्या होगा? आई वर्शिप्ड टू गॉड। ठीक है, आई वर्शिप्ड टू गॉड। अब देखो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म आया? वर्शिप, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड। मींस ये क्या है? सेकंड फॉर्म है। सिंपल सेंटेंस के लिए क्या है? सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है। ठीक है, और नेगेटिव, आई डिडंट वर्शिप टू गॉड। अब देखो यहां पे क्या आ गया? फर्स्ट फॉर्म यूज हो गया। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? आई डिडंट वर्शिप टू गॉड। यहां पे डिड नॉट लगा, सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई डिडंट वर्शिप टू गॉड। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा? डिड आई वर्शिप टू गॉड। डिड पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हम गाना गाते थे, हम गाना गाते थे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वी सॉन्ग अ सॉन्ग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सॉन्ग, गाना। ठीक है, गाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सिंग, सॉन्ग, संग होता है। ठीक है, सिंग, सॉन्ग, संग होता है। तो क्या हो जाएगा? वी सॉन्ग अ सॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब इसका नेगेटिव क्या होगा? वी डिडंट सिंग अ सॉन्ग। अब देखो सिंग क्या है? फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिड वी सिंग अ सॉन्ग होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। तो इसका क्या होगा? आर्यभट्ट डिस्कवर्ड जीरो। तो यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हुआ? वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ, जबकि हम लोग नेगेटिव बनाए तो क्या हो गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ। मीन्स इस पास्ट टेंस के इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें सिंपल सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, और जब नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, और अगर इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान कैसे होती है? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे रही थी, अगर ऐसा कुछ आया तो क्या होगा? वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये किसके लिए होगा? सिंपल सेंटेंस के लिए, नेगेटिव के लिए। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। और इंट्रोगेटिव के लिए वाज वेयर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, अब इसमें आई, ही, सी और इट, इसके साथ क्या लगता है? वाज, और बाकी सब के साथ दे, वी, यू, ये सब के साथ वेयर लगता है, वार बोलते हैं इसको। ठीक,
आई ही सी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वॉज, दे वी यू के साथ होता है वर्ब, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं, बारिश हो रही थी तो क्या होगा, इट वॉज रेनिंग, इट फिर वॉज होगा फिर रेनिंग हो जाएगा, ठीक है। ही सी इट के साथ क्या होने वाला है, यूज वॉज, तो क्या होगा यहाँ पे वॉज हो जाएगा, इट वॉज नॉट रेनिंग, इट वॉज नॉट रेनिंग, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए, वॉज इट रेनिंग ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव के लिए होगा। वह घुड़सवारी कर रहा था, ही वॉज राइडिंग हॉर्स, ही वॉज नॉट राइडिंग हॉर्स, वॉज ही राइडिंग हॉर्स, इसको आप लोग जान जाओगे, ठीक है। हाँ आप देखते हैं, वे फिल्म देखने जा रहे थे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बताओ, दे दे वेयर देवर क्या होगा, देवर गोइंग टू वॉच मूवी, नेगेटिव के लिए क्या होगा, दे वेयर देवर, वो वेयर नहीं पढ़ते हैं इसको, वर बोलते हैं, देवर Not going to watch movie. Were they going to watch movie? ये किसके लिए, नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो, वाक्य के अंत में अगर रहा था, रहे थे, रही थी, ये सब आया तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और अगर इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है तो इंग्लिश में आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, अगर कोई भी बोलता है सेंटेंस अगर वहां पे वॉज वर का अगर यूज करता है तो समझ जाने कि ये कौन सा टेंस में बात कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर रहा है, ठीक है। आई वॉज ईटिंग, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर लाइक दैट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान होता है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब अगर आता है तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव, इसके लिए सिंपल सेंटेंस के लिए, ये किसके लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, हेड नॉट लग जाएगा और यहाँ पे हैड पहले में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। और इसमें ऑल सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैड ही यूज होता है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट में हैड ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इस बात को याद रखना है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, वह घर की सफाई कर चुकी थी, चलो आप लोग भी ट्राई करो, सी Had, क्या होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लीन टू होम, सी इसका नेगेटिव क्या होगा, सी हैड नॉट क्लीन टू होम, इंट्रोगेटिव क्या होगा, हैड सी क्लीन टू होम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क अगर लगाना भूल जाते हैं मीन्स आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, राम रघु को पढ़ा चुका था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम हैड टॉट टू रघु, अब यहाँ पे नेगेटिव क्या हो जाएगा, राम हैड नॉट टॉट टू रघु, टॉट टू रघु, इसका इंट्रोगेटिव बताओ, इंट्रोगेटिव क्या होगा, हैड पहले में आ जाएगा, हैड राम टॉट टू रघु, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
समझ आया सबको? अब देखते हैं, वे घर से भाग चुके थे। अब भाग चुके हैं तो क्या कर सकते हैं, है ना, ट्रांसलेट बस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, दे हैड, भागने को क्या बोलते हैं, रन अवे फ्रॉम होम, वे घर से भाग चुके थे। रन मीन्स भी भागना होता है, लेकिन बहुत दूर भाग चुके थे तो यहाँ पे रन अवे कर दिए, ठीक है। अब दे हैड नॉट रन अवे फ्रॉम होम। अब इसका इंटरोगेटिव बताओ, हैड दे रन अवे फ्रॉम होम, ठीक है, समझ आया? ओके। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, ठीक है, इसकी पहचान कैसे होती है। समय के साथ वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थी आदि आता हो तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा था, रही थी, रहे थे, आया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, समय के साथ, मींस यहाँ पे टाइम हम लोग को हर बार बताना पड़ेगा तो हम लोग पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस का टेंस है। चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म, ठीक है। अब इसका नेगेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म, ये सिंपल सेंटेंस के लिए है, जबकि ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है, ठीक है। इसमें भी ऑल सब्जेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हैड बीन यूज होगा, ठीक है। और सिंस और फॉर का यूज तो जानते हो, सिंस क्या है निश्चित समय के लिए यूज करना है और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए यूज करना है, ठीक है। तो चलो आप एग्जाम्पल देखते हैं, वे चार दिनों से यात्रा कर रहे थे, तो क्या होगा ट्रांसलेट बताओ, दे हैड बीन ट्रेवलिंग कितने दिनों से, ट्रेवलिंग फॉर फोर डेज। फोर डेज फॉर क्यों आया, क्योंकि कोई सा भी चार दिन हो सकता है, फोर डेज हो सकता है ना। दे हैड नॉट बीन ट्रेवलिंग फॉर फोर डेज हैड दे बीन ट्रेवलिंग फॉर फोर डेज, ठीक है, समझ आया। देखो सब्जेक्ट आ गया, अब हैड बीन आ गया, वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ गया, सिंस या फॉर लगाना है, ठीक है, सिंस या फॉर, तो फॉर आया फोर डेज, ठीक है। वैसे ही नेगेटिव इंटरोगेटिव का भी सेम है। अब देखो वह जनवरी से मई तक नहा रहा था, ठीक है, तो क्या होगा, ही हैड बीन बाथिंग, ही हैड बीन बाथिंग कहां, सिंस क्यों, क्योंकि जनवरी और मई हम लोग को दिया है तो ये क्या है निश्चित समय है, ठीक है, तो सिंस जनवरी टू मई। इसका नेगेटिव क्या होगा, ही हैड नॉट बीन, बाकी तो सेम सेंटेंस होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या होगा, हैड ही बीन बाथिंग सिंस जनवरी टू मे, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, हम 3 बजे से पतंग उड़ा रहे थे, ठीक है, तो चलो इसका ट्रांसलेट बताओ, वी हैड बीन फ्लाइंग काइट, वी हैड बीन फ्लाइंग काइट सिंस
3 o'clock. We had not been flying kite since 3 o'clock. अब इसका इंटरोगेटिव बताओ. Had we been flying kite since 3 o'clock? 3 o'clock in your question mark. ठीक है, समझ आया? एक बार और देख लो. समय के साथ यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब अगर आता है तो वहां पे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा. और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होने वाला है? हैड बीन यूज होने वाला है. और ऑल सब्जेक्ट के लिए हैड बीन ही यूज होगा. ठीक है. और सिंस और फॉर, सिंस क्या है? निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होगा, जबकि अनिश्चित समय के लिए क्या होगा? फॉर का. निश्चित मीन्स पर्टिकुलर टाइम, फॉर मीन्स अनपर्टिकुलर टाइम के लिए क्या यूज होगा? फॉर यूज होगा. और पर्टिकुलर टाइम के लिए सिंस यूज होगा. अब देखो एग्जाम्पल, सेम स्ट्रक्चर टाइप से हम लोग को एग्जाम्पल कर लेना है. अब देखो यहाँ पे तो खत्म होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब मैं कल प्रेजेंट बताया था, आज पास्ट. ठीक है, तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों का हेल्पिंग वर्ब है. चलो एक बार रिवीजन करते हैं. तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? डू या फिर डज. ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होता है डू या डज होता है, जबकि पास्ट का इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? डिड होता है. ठीक है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है? इज, एम और आर यूज होता है. जबकि पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वाज या फिर वर होता है. अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैव या फिर हैज यूज होता है. ठीक है, जबकि पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है? हैड यूज होता है. अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है? Have been या फिर has been. जबकि इसमें past perfect continuous में क्या यूज होता है? Had been. ठीक है, इस चीज को याद रखना और बार बार प्रैक्टिस करना.